अब हम 3 बार ओम चेंटिंग करेंगे। उसके लिए सांस भरें ओम के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। अब हम सब अपनी आंखें धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय गुरुदेव। आवाज आई मुझे की है। जय गुरुदेव सभी को। सोनिया दीदी चलिए सभी को मकर संक्रांति की बधाई हो। सबका कैसे रहा मकर संक्रांति? सबने मनाई अच्छे से? सब सोनिया दीदी जय गुरुदेव। आ रही मेरी आवाज दीदी? जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। हैप्पी मकर संक्रांति। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। बहुत सारी बधाई आपको भी सभी को। चलिए हाँ आज तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी संक्रांति कोई बोल रहे आज है, बोलते हैं कल है। तो एनीवे कभी भी है, हम अपनी एरिया वाइज सेलिब्रेट करते ही है ना। फोन कॉल करते हैं, अपने रिलेशनशिप फ्रेंड्स को पूछते हैं आप कभी सेलिब्रेट कर रहे हो। तो हर किसी त्योहार का कोई होता है सेलिब्रेट करने का। और हर त्योहार हम क्यों मनाते हैं? ताकि हम अच्छे से खुश रहें, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम पूरे सभी तरीके से स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वाइज रहें। तो हम बहुत सारे दान करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, पर हमें कभी कुछ तोहफा देता है ना कोई, तो हम खुश हो जाते हैं। तो फेस्टिवल का महत्व रहता है। तो महाराष्ट्र में तिल बांटते हैं ये फेस्टिवल में, और बोलते हैं तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, और तिल बांटो और मीठा मीठा बोलो। लड्डू बनाते हैं, गज्जक बनाते हैं और खाते हैं और फिर खिलाते हैं। मकर संक्रांति में गुजराती लोग वरी अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ऊंदू बनाते हैं, उनकी फेवरेट सब्जी रहती है वो, यही सीजन में बना के खाते हैं, फिर सबको बांटते भी हैं। और दूसरा सिंधी लोग बहुत सारे माजून मिठाइयां लड्डू अलग अलग प्रकार के बनाते हैं और अपने लड़कियों को ननदों को बांटते हैं वो।
अलग अलग तरीके से हर कोई मनाता है फेस्टिवल जो भी हमारे इंडिया में है। और देखा जाता है कि ये दिनों में ना जैसे ही मकर संक्रांति नजदीक आती है ना ठंड इतनी बढ़ जाती है और हम लोग इतनी मिठाइयां मावे खाते रहते हैं ना, फिर हमें वायरल हो जाता है, होता है ना, खांसी बुखार सर्दी। तिल खाना है, पर तिल का भी कितना प्रमाण खाना है वो जानना जरूरी है। नहीं तो फिर तिल आया दिन रात तिल खाते रहते हैं, लड्डू मिठाइयां मावे, फिर उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है अपने शरीर पे। तो आयुर्वेदा हमें बार बार समझाता है कि हमें कितना और कैसे खाना है, अपनी प्रकृति अनुसार हमें कैसे रहना है। जैसे वात वात है शरीर में ज्यादा तो उनको जल्दी से ठंड लगती है, उनके कान दुखने लगते हैं, हड्डियां दुखने लगती है, तो उनको कैसे मसालों से और कैसे खान पान से को ठीक रखना है। तो जैसे ठंडी आती है वात वालों को भारी पड़ जाता है वो ही ठंडी, और पित्त वाले मजे करते हैं वो ठंडी में, उनका शरीर गर्म रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वात पित्त कफ का क्या झोल है और क्या है ये, उसको समझने के लिए ना हमने आयुर्वेदा को समझना पड़ेगा। और बहुत सिंपल तरीका है समझने का वात पित्त कफ क्या है, ये चीज क्या है, हम सुनते रहते हैं, हम ना जब भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें बताते हैं कि आपका ये विकृति है शरीर में, वो हिसाब से आप ये दवाई खाओ, वो हमें बताते हैं। फिर वो जब अगर क्रोनिक इम्बेलेंस रहता है तो उसको समय लगता है ठीक होने में, तो आयुर्वेदा हमें ये बताता है हमेशा हम अपनी डिजीज को प्रिवेंट कैसे करें। मंत्रों की हीलिंग से भी हम खुद को ठीक रख सकते हैं। बहुत अचरज वाली बात है ये, पर सही है इसमें। अलग अलग होमास जैसे श्रावण महीने में रुद्राभिषेक होता है, रुद्र पूजाएं होती हैं, क्यों है वो, तो उसका भी एक हमारे हेल्थ पे इफेक्ट होता है। जैसे मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोरी आती है, पंजाबी सिंधी लोग दूसरे लोग भी सेलिब्रेट करते होंगे, तो उनका एक मतलब वो दिन में वो क्या करते हैं, हवन करते हैं, फिर हवन कुंड जला के उसमें लकड़ियां डाल के उसमें प्रसाद डालते हैं, पैसे डालते हैं, फिर वो सवेरे बच्चे वो जब भी हवन कुंड ठंडा हो जाता है तो उसमें पैसे निकाल के बच्चे खेलते हैं उसके साथ, फिर वो गरीबों में बांटते हैं, फिर अलग अलग टाइप के प्रसाद बना के लोग इकट्ठा होके उसके सराउंडिंग में फेरे लगाते हैं, कोई 3 कोई 7 कोई 11, क्यों, क्योंकि वो जो ये ठंडी के कारण हमारा जो शरीर है वो अकड़ गया है उसको गर्मी मिलने के लिए। और तिल क्यों खाते हैं, तिल का नेचर क्या है, गर्म, तो संभाल के खाना है, ऐसे नहीं पित्त वाले ज्यादा तिल खा लिए फिर मालूम पड़ गया उनका पित्त बढ़ गया, तो हम समझेंगे कैसे कि पित्त बढ़ गया, वात बढ़ गया, कफ बढ़ गया। बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए, जब भी हम ये कोर्स सीखते हैं ना जिसका नाम है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, तो हम समझ जाते हैं कि वात पित्त कफ क्या है, और सामने वाले को भी हम समझ लेते हैं कैसे, ज्ञान से, आयुर्वेदा के ज्ञान से, कि वात वालों का
बिहेवियर कैसे होता है, बात करने का तरीका कैसे होता है, पित्त वालों का कैसे होता है, कफ वालों का कैसे होता है। और फिर हम समझ जाते हैं कि अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें क्या है, हमें कैसे खाना है। सपोज एक गाजर है, तो कच्चा गाजर किसी को प्रॉब्लम दे सकता है और किसी को कुछ नहीं होगा, और किसी को वो त्रास दे सकता है। तो एक गाजर भी है, वो किस प्रकार खानी है। अगर आंवला है, अभी आंवला का सीजन है, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं आंवला खाओ, पर बराबर तरीका क्या है खाने का। वात वालों को आंवला किस प्रकार खाना है, कफ वालों को कैसे खाना है, पित्त वालों को कैसे खाना है। आंवला तो एक चीज है, पर उसको खाना किस तरीके से है। फिर हम गलत तरीके से गलत चीजें मिक्स करके खाते हैं, वो भी भारी पड़ता है। वो क्या हो जाता है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हो जाता है। फिर हमें हेल्थ अच्छी होने की बजाय क्या होता है, नुकसान होने लगता है। और तेल का चुनाव करना है, शरीर में जिनका वजन ज्यादा होता है वो डरते रहते हैं, तेल कम खाते हैं, पर हमें ऑयलिंग भी जरूरी है हमारे हड्डियों के लिए, हमारे ज्वाइंट्स के लिए, पर हमें वो ज्ञान नहीं होता है। फिर हम चीज बटर ये चीजें खाते रहते हैं, पर हम अच्छी चीजों से परहेज करते हैं। तो सच्ची ऑयलिंग कहाँ से मिलती है, कौन सा ऑयल कौन से व्यक्ति को खाना चाहिए। सपोज सुमन जी रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार कौन सा तेल कितनी मात्रा में खाना है, ये बहुत जरूरी है ज्ञान। मैं मुंबई में रह रही हूँ, तो मेरे यहाँ का वेदर अलग है, मुझे क्या खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स, कौन सी वेजिटेबल्स, कौन से अनाज, और कैसे मेरा रहन सहन होना चाहिए, दिनचर्या ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए। तो अगर हमें ज्ञान होता है ना, हम पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब भी हम ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं तो खाली बैठे रहते हैं, फिर खाते रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ट्रेवलिंग में भी हमें कैसी अपनी संभाल करनी है, और खाना कैसे बनाना है और कैसे खाना है और कौन से बर्तनों में पका के खाना है, और फास्टिंग क्यों करना जरूरी है, हमारे शरीर में रोग क्यों आते हैं, ये जानना जरूरी है। तो आहार विहार और विचार और खाने को इम्पोर्टेंस दिया है आयुर्वेदा ने। तो ये जो आयुर्वेदा का ज्ञान है ना, बड़े सुंदर तरीके से होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सिखाया गया है। अभी मेगा ऑनलाइन होलिस्टिक कुकिंग कोर्स हो चुका, जिसमें 100+ लोगों ने कोर्स किया एक साथ, अलग अलग लैंग्वेजेस में, गुजराती, हिंदी, मराठी, सिंधी, छत्तीसगढ़, इंग्लिश, हिंदी मिक्स। तो अभी फिर से मेगा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स होने वाला है, 2 बैचेस में, 11, 12, 13 फरवरी, और 2 बैचेस हैं, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जरूर जरूर आप ज्वाइन करिए और ये जो ज्ञान है ना, उसको समझ लें, सीख लें, फिर जीवन में उतारना शुरू करें। और ये कोर्स में हर कोई आ सकता है, जो कोई भी खा रहा है वो कर सकता है, क्योंकि खाना सभी खा रहे हैं ना, क्या खा रहे हैं वो जरूरी है ना। तो जो हम खाते हैं वो ही हम बनते हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरा रेसिपीज, हम सोचते हैं ना, क्या यार इसमें कोर्स में रेसिपी वेसिपी बताएंगे कि घास फूस बताएंगे, नहीं, हम लोग सब बताएंगे जो भी टेस्टी हेल्दी
और अच्छी अच्छी चीजें बनती है, हम सभी खानी, हमें सभी खानी है। और कौन से समय पे खानी है, कैसे बनानी है, ताकि हम अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर सबको खुश रख सके, क्योंकि पेट से जुड़ा है ना सब कुछ। तो अभी एक दो दिन में लिंक हमें मिल जाएगी, तो हम आपको पूरे लिंक के साथ मैसेज शेयर कर देंगे। और हमारे ये इंट्रो सेशन अभी चालू रहेंगे, हमने थोड़े दिन गैप ले ली थी क्योंकि काफी समय से सबकी सेवा चल रही थी, सबके थोड़े काम पेंडिंग थे, तो वो भी निपटाने थे सबको। तो फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अभी। तो ये है होलिस्टिक कुकिंग, पूरा आयुर्वेदा का ज्ञान है और 3 दिन का कोर्स है, 11, 12, 13 फरवरी, 2 घंटे रोज। तो अभी जिनका मनना है वो जरूर कर ले। फिर हम सोचते हैं ना, चलो बाद में करेंगे, अभी तो दिन है, फिर हम बोल जाते हैं। तो हम आपको लड़के बनते हैं, तिल को हम सेक लेंगे एक कढ़ाई में, अच्छे से सेक लेंगे, अनपॉलिश्ड तिल ले लेंगे, एक पॉलिश्ड मिलते हैं, दूसरे अनपॉलिश्ड मिलते हैं। तो सही चीजों की भी पहचान कैसे करनी है ये भी हम सीखेंगे कोर्स में, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। तो तिल को हम सेक लेंगे और फिर एक गुड़ आता है ये सीजन में जो अवेलेबल होता है, चिक्की का गुड़ बोलते हैं उसको, चिक्की उससे अच्छी बनती है, और वो गुड़ यही सीजन में हमें उपलब्ध रहता है, मिलता है। फिर उस गुड़ को थोड़ा बारीक बारीक काट ले, जितना तिल है उससे आधा पौना गुड़ ले ले। सपोज आपका 200 ग्राम तिल है तो 125 ग्राम, 150 ग्राम के बीच में 140 ग्राम गुड़ ले लो चिक्की वाला। फिर रोस्ट कर लो तिल को और 1 चम्मच शुद्ध घी डाल के गुड़ को पिघला दो। हम मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं इसमें, मूंगफली को भी रोस्ट कर लो, आधा आधा टुकड़ा कर लो, छिलके निकाल दो, वो भी ऐड कर दो। और फिर गुड़ जैसे ही पिघलना शुरू करे उसमें अदरक भी डाल सकते हो, या जो भी आपको मसाले डालने हैं आपकी चॉइस के डाल सकते हो, सिंपल अच्छे बनते हैं ज्यादा, इलायची पाउडर डाल सकते हो। फिर ये तिल और मूंगफली डाल दो और गैस बंद कर दो, अच्छे से मिक्स कर लो। फिर थोड़ा हल्का सा ठंडा हो, गर्म ही रहे पर हमारे हाथ भी ना जले, ऐसे ध्यान रखना है हमें। एक कटोरे में पानी ले लो, हाथ में दोनों में हथेलियों में पानी लगा लो और फिर वो थोड़ा जो बैटर है तिल और गुड़ का वो डाल दो अपनी हथेली पे, फिर गोल गोल घुमाते ऐसे लड्डू बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और उसको फिर रख दो और थोड़ा सूखने दो उसको, और फिर हम खा सकते हैं, वो टाइम भी खा सकते हैं, अच्छे सब कोई खा सकता है, बूढ़े बूढ़े बच्चे, ज्यादा कड़क नहीं होते हैं। और इसकी चिक्की भी बनती है, उसको क्या करना है, चिक्की को, चिक्की कैसे करते हैं तरीका सेम ही रहेगा, चिक्की को चकले पे डाल के थोड़ा चकले और बेलन को तेल घी लगा के उसको बेलते हैं,
जितना पतला आपको चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, पतली पतली भी मस्त लगती है पापड़ के जैसे, तो छोटे छोटे ले लो, दो तीन चकले पे बेल लो, और जल्दी बेलना रहता है इसको, नहीं तो वो कड़क होती जाती है। तो घर में है ना, जेठानी है, ननंद है, बच्चे हैं हमारे, उनको बुला लो, और फिर वो जब भी बेलते हैं ना, वो भी खाते हैं हमारी चीजें, क्योंकि उनको भी लगता है ना मैंने बेला है, चलो मैं टेस्ट कर लूं। तो ऐसे हम बच्चों को भी अगर हम सिखाना चाहते हैं ना, तो हम बच्चों को भी बुलाएं किचन में, तो हमारा काम आसान हो जाता है और वो अच्छे से सीखते हैं। पर उनके सही समय पे हमें सिखाना है, जब भी वो फ्री हो उनके कान में डालते रहो, मुझे ये बनाना है, मेरी हेल्प करेगा करेगी। तो आजकल बच्चे हैं ना, उनका अलग अलग रहता है ना, डिमांड अलग रहता है, वो उनकी पढ़ाई ज्यादा रहती है और उनकी अलग अलग रहती है ट्यूशन ये वो, तो हमें उनको किचन में भी ये करना रहता है ना, तो हमें स्किलफुली करना है, उनसे काम करवाना है। पूरा दिन वो थोड़ी पढ़ाई करते हैं, तो उनका जब भी बोरिंग समय होता है ना, उनको ये करवा दो, उनका मन भी खुश हो जाएगा, आपको हेल्प भी मिल जाएगी और वो खाने भी लगते हैं ऐसी ऐसी चीजें। तो ये तिल को अगर हम सेक के उनको पीस लेते हैं ना, तो वो चिक्की भी अच्छी बनती है, थोड़ी मोटी रखो। और ये तिल को दूसरी टाइप की चिक्की भी बनती है, तिल को सेक लो, फिर उनको पीस लो और गुड़ को काट लो, फिर तिल के साथ पीस लो, धीरे धीरे पीस लेना, धीरे धीरे मिक्सर चलाना, फिर वो मिक्स हो जाती है तिल और गुड़। फिर उसको थोड़ा घी मेल्ट करके उसमें डाल दो और फिर उसको भी बेल सकते हैं। किसी किसी को लगता है ना मुझे कच्चा ही गुड़ डालना है, तो ये भी तरीका है, कच्चे गुड़ से भी बन सकता है और खराब नहीं होता है ये सीजन में। और थोड़ा ही बनाना है ना, हमें पूरा दुनिया भर के नहीं नहीं बनाना है, थोड़ा बना के देख लो और खा लो फैमिली वाले। थोड़ा बनाएंगे तो हम थोड़ा खाएंगे, नहीं तो हम ज्यादा बनाते हैं तो हमें अच्छी चीज लगती है, फिर हम बहुत खाते रहते हैं। बहुत खाने से भी क्या प्रॉब्लम होती है, अति की कोई गति नहीं, ठीक है ना। किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हरिओम अग्रवाल, आप पहली बार आए हो? वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या आप ना? हरिओम जी, गैलेक्सी, जैनी जी, आपके यहाँ बहुत ठंड है क्या? शैला, शैला जी, उपम, मुकेश, वीडियो ऑन करेंगे? भरत कुमार, करुणा जी, गैलेक्सी, गैलेक्सी में दो लोग जुड़े हैं, दीपा, हाँ,
रेखा जी, रेखा जी आपने कोर्स किया है? रेखा शेट्टी, रीना आपको बोलना है कुछ? सुमन, ठीक है, किसी को बोलना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे, या चैट बॉक्स में भी आप सवाल पूछ सकते हो। आवाज आ रही है मेरी सुमन? हाँ, काला तिल अच्छा होता है, पर मोस्टली ना सफेद तिल हम ज्यादा खाते हैं। दोनों अच्छे हैं, काले तिल भी हम डालते हैं ना, जब भी हम नान वगैरह बनाते हैं तो काले तिल उसमें स्प्रिंकल करते हैं, और कोई हम मुखवास बनाते हैं या पान में काले तिल डालते हैं, पूजा में हम काले तिल से पूजा करते हैं। मोस्टली व्हाइट तिल के लड्डू अच्छे बनते हैं, तो हम व्हाइट से ही बनाते हैं। काले तिल हम सलाद में खा सकते हैं, दोनों अच्छे हैं, काले तिल भी अच्छे हैं, सफेद तिल भी अच्छे होते हैं। हम अपने रोटी में डाल सकते हैं काले तिल। रहती है ना, हम लोग ये रोटी बनाते हैं, नान बनाते हैं तो काले काले तिल डालते हैं ना, ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, तो नान भी हेल्दी तरीके से कैसे बनाएं ताकि वो मस्त लगे और टेस्टी लगे, इसकी भी मुझे रेसिपी ध्यान में आ रही है, कभी तो हम शेयर करेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, तो हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या बोले, का खाना है, क्या खाना है? मुझे समझा नहीं, ये का खाना है, क्या खाना है, क्या पूछ रहे हो आप? कोई समझ रहे हैं क्या उनका क्वेश्चन? ठीक है, वक्त, एक मिनट, मैं आपको वात को कैसे कंट्रोल करें। ओके, हाँ रेखा जी आपने कोर्स किया है क्या? हाँ या ना भी कह सकते हैं, हमने एक वात के लिए वात की मुद्राएं बताई थी एक सेशन में, वो सेशन देख लो आप। रेखा जी आपने कोर्स किया है, हाँ या ना बता सकते हैं तो ही मैं आपका आंसर कर सकती हूँ।
हाँ फॉलो अप तो रखेंगे, पर अगर आपने कोर्स किया है तो हाँ बोले वो ठीक है आपको रेखा शेट्टी। आप मुझे फोन करिए पर्सनल, मेरा नंबर 9168944772 है, व्हाट्सएप कॉल करिए ये नंबर पे, तो मैं आपसे बात करती हूँ फिर, ठीक है। ठीक है चलते हैं फिर, कल मिलते हैं, बाय।